वजीरेक्स का नहीं है, यानी कि इसकी ओनरशिप इंडिया के जो निशा शेट्टी हैं उनके पास अभी तक नहीं है, लेकिन इसी को लेकर और भी ज्यादा क्लैरिटी दी है वजीरेक्स ने। तो निशा शेट्टी जी खुद सामने आए हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, जैसे कि इसके ऊपर क्या हमारे फंड सेफ है या नहीं, क्योंकि जैसे कि लास्ट मैंने वीडियो आपको दिया था जेप्पे का, तो आपको बताया था कि वहां क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसी के साथ सुनने में ये भी है कि कॉइन डीसीएक्स के ऊपर भी 1000 पे लिए जा रहे केवाईसी करने के लिए, यहाँ तक कि कॉइन डीसीएक्स ने अपने 12% और भी ज्यादा जो इम्प्लॉयज थे उनको ले ऑफ कर दिया है बेयर मार्केट में, जो कि अभी एक ही दिन में अपडेट आई है। तो 590 में से लगभग 71 इम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया गया है, उनकी जॉब चली गई है। लेकिन क्या वजीरेक्स अभी सही सलामत है या नहीं, क्या वजीरेक्स एक्सचेंज इंडिया में अभी सर्वाइव कर पाएगी या नहीं ये बेयर मार्केट को, इन सब के सवाल मैं आपको देने वाला हूँ। इसी के साथ क्रिप्टो एसेट विड्रॉल्स, टैक्सेस या फिर और भी जो रेगुलेशंस आई हैं, या फिर आपका जो ट्रैक किया जा रहा है, आपने जो भी पेमेंट्स करी हैं, ट्रेडिंग करी है, वो भी आपको मैं इसमें क्लियरली बताऊंगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आंसर्स आए हैं निशा शेट्टी के द्वारा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए अगर आप भी वजीरेक्स यूजर हैं या फिर आपने WRX बाय करके रखे हैं। अगर आपने WRX बाय किए तो नीचे #WRX जरूर डालना, क्योंकि मैं WRX का एक अलग से वीडियो लाकर देने वाला हूं। और वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंच रहे। तो इंडिया के जितनी भी एक्सचेंजेस है, लगभग सारी एक्सचेंजेस के हालात बिल्कुल बुरे चल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि जब से TDS लगाया गया है तो हमारी हर एक ट्रेड के ऊपर TDS लग रहा है, जिसकी वजह से सभी ने इंडियन एक्सचेंजेस को छोड़कर या तो डेक्स यूज करने शुरू कर दिए या फिर फंड के एक्सचेंजेस को यूज करना शुरू कर दिया है। अब ये TDS डायरेक्टली नहीं करता, बल्कि हमारे ऊपर है, अगर हमें TDS देना है तो देंगे, वरना आगे चल के गवर्नमेंट हमसे TDS कभी भी मांग सकती है। TDS के साथ साथ इंडिया में क्या कि 30% का टैक्स लगता है अगर हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिस कारण सभी ने क्रिप्टो करेंसीज को या तो होल्ड करके रख लिया है स्पॉट में, या फिर डेक्स के ऊपर मूव कर दिया, डेक्स तो नहीं बोलेंगे, ट्रस्ट वॉलेट जैसे वॉलेट्स के ऊपर मूव करके रख लिया है और ट्रेड करना ही बंद कर दिया है, जिस कारण इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज की जो एक बहुत बड़ी हाइप बनी हुई थी वो बिल्कुल खत्म जैसी हो चुकी है। इंडिया में जो एनवायरनमेंट है क्रिप्टो करेंसीज की वो बहुत बुरी है। तो धीरे धीरे कई लोग इंडिया को छोड़कर जा चुके हैं। आज हम बात करने वाले वजीरेक्स के बारे में, तो वैसे इंडियन एक्सचेंजेस जितनी भी हम देखते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो यहाँ पर किसी की भी रेटिंग सही नहीं है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वजीरेक्स की, जिसकी रेटिंग है 3.8 और ये बिल्कुल रेड दिख रही है, और यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का कोई भी निशान नहीं लगा हुआ है। निशान कहने का मतलब यहाँ पे एक काइंड ऑफ लोगो लगा हुआ है बाइनेंस के साथ, कॉइनबेस के साथ, करेकन, क्यूकॉइन, बायबिट, टोकेक्स, तो टॉप की जितनी भी एक्सचेंजेस हैं सारी एक्सचेंजेस के साथ एक लोगो लगा हुआ है, एक ऐसा मार्क लगा हुआ है जिससे पता चलता है कि आपको एक्सचेंज के रिजर्व्स का डेटा डायरेक्टली मिल जाएगा, अवेलेबल मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वजीरेक्स अपना डेटा उतना एक्यूरेटली प्रोवाइड नहीं कर पाया, जिस कारण इनका भी यहाँ पे रिजर्व्स का डेटा अवेलेबल नहीं है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। लेकिन प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को लेकर निशा शेट्टी जी ने खुद बताया है कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का जो डेटा है वो तो अवेलेबल है ही, इसी के साथ पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी दी गई है coingabber.com के ऊपर। यहाँ पे कितनी होल्डिंग्स हैं, जैसे कि बताया कि 236.16 मिलियन डॉलर की होल्डिंग्स हैं। होल्डिंग्स के साथ साथ पर कॉइन के बेसिस पर भी होल्डिंग्स यहाँ पे बताई गई है कि कितनी कितनी परसेंटेज है, जैसे कि शिबा इनू की दिखाई जा रही है 21% है, यानी कि वजीरेक्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो होल्डिंग्स हैं वो शिबा इनू की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बिटकॉइन की है जो कि लगभग 34.9 मिलियन डॉलर के आसपास बन रही है। फिर उसके बाद इथेरियम, XRP, पॉलीगॉन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी शिबा की कितनी ज्यादा होल्डिंग्स और कितनी ज्यादा हाइप है। और जो वजीरेक्स का WRX है, इसका खुद का कॉइन, उसकी होल्डिंग सिर्फ 4% है। इसका मतलब ये भी है कि जो वजीरेक्स का WRX है वो ज्यादातर वजीरेक्स के पास नहीं है, वो बाइनेंस के पास है। यही कारण है कि इन्होंने ट्वीट के ऊपर सबसे पहली चीज ही ये लिखी है कि हम ट्रांसपेरेंसी तो देने वाले हैं, लेकिन वजीरेक्स की जो ओनरशिप है, ओनरशिप अभी भी हम क्लियर नहीं कर सकते किसकी ओनरशिप किसके पास है। ये नहीं बोल सकते कि वजीरेक्स के पास है या फिर बाइनेंस के पास है, क्योंकि ये जो मामला है अभी तक सुलझा ही नहीं है। तो जिस कारण इन्होंने जितनी भी फिगर्स हैं जो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स के द्वारा ये देना चाह रहे हैं, वो सारे का सारा coingabber.com के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया। आप रियल टाइम डेटा कभी भी चेक कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है WRX। तो WRX का हमारा एक डाउट हमेशा रहा है कि WRX का बर्न क्यों नहीं हुआ है, WRX का प्राइस नीचे क्यों गिर रहा है, इसका प्राइस ऊपर बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। बर्न्स होने चाहिए, जो कि लगभग 7-8 बर्न्स पेंडिंग है जो कि अब तक हो जाने चाहिए थे। अगर वो होते तो फॉर श्योर WRX का प्राइस ऊपर जाना चाहिए था। तो ये जो डिस्प्यूट चल रहा है इसके ऊपर भी क्लैरिटी वजीरेक्स ने ऑलरेडी दे दिया। इनका जो ब्लॉग है इसके ऊपर बताया गया कि कितना कितना बर्न पेंडिंग है और जो रिजर्व्स हैं वो सारे के सारे किसके पास पड़े हैं, WRX की होल्डिंग्स किसके पास पड़ी हैं। तो उन्होंने क्लियरली बता दिया कि ये बाइनेंस के पास है, उनकी जब मर्जी होती है वो अपने हिसाब से कभी भी WRX को सेल भी कर देते हैं। और आपने प्राइस भी देखा होगा कि WRX का प्राइस कभी कभार ऐसे ही रैंडमली बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाइनेंस की एक्टिविटी तब होती है। तो जब तक WRX और वजीरेक्स के ओनरशिप की जो एक फाइनल रेजोल्यूशन सामने नहीं आ जाता, तब तक WRX का प्राइस नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि इसकी क्लैरिटी किसी को भी नहीं है।
यहाँ तक कि जिनका WRX खुद का है उनको भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, WRX की ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? बाइनेंस के पास। अगर आप खुद भी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर चेक करोगे तो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आपको दिखेगी बाइनेंस के ऊपर। अगर हम WZRX के ऊपर देखें तो बहुत ही छोटा सा परसेंटेज है, जिस कारण हम ये बहुत ही लंबे समय से झेल रहे हैं WRX को होल्ड करके। क्रिप्टो एसेट विड्रॉल्स की भी बात करी गई यहाँ पे कि सबको ये विड्रॉल देना तो चाहते हैं, लेकिन जो पॉलिसीज है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि KYC किया जाता है, AML भी किया जाता है, पूरे चेक्स लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ना कोई ऐसा इलीगल एक्ट जरूर होता है, ऐसी एक्टिविटी जरूर होती है जिसकी वजह से WZRX को बहुत बार अंडर ड्यू डिलीजेंस करना पड़ता है। और इसी के साथ जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी चेक करती है WZRX के ऊपर कौन से अकाउंट्स क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो अभी तक जिनके विड्रॉल्स रुके हुए हैं वो आने वाले समय में खुल सकते हैं, लेकिन अभी WZRX की तरफ से कोई फाइनल क्लैरिटी नहीं मिली है कि ये जल्दी विड्रॉल्स खुलेंगे। अब आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि अगर आपने INR डिपॉजिट कर लिया, बैंक के द्वारा डिपॉजिट कर लिया WZRX के ऊपर, तो आप P2P यूज़ नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्रिप्टो को विड्रॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चाहते हैं अगर पैसा WZRX के ऊपर डाला गया तो उसको WZRX से किसी और जगह पे ना ले जाया जाए। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि पैसा WZRX के ऊपर डालकर बाइनेंस के ऊपर ले जाया गया, फिर बाइनेंस से विड्रॉ कर लिया गया चाइना में। तो कई सारी ऐसी जो स्कैम ऐप्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, या फिर ऐसी जो इलीगल एक्टिविटीज़ वाले लोग हैं, उन्होंने ये सब कुछ पहले किया है, जिसकी वजह से इन्होंने कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। वैसे देखा जाए तो हर एक एक्सचेंज ने अपना अलग अलग तरीके का कुछ ना कुछ लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जो कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये रिस्ट्रिक्शन इस एक्सचेंज के ऊपर है तो दूसरे के ऊपर भी है। जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया था कि Zappe के ऊपर कुछ लिमिट्स लगी हुई हैं कि अगर आपने विड्रॉ लेना है तो आपका एक KYC नहीं, आपके 2-3 KYC अलग अलग होने चाहिए, और ₹500 देकर अगर आप KYC कर लोगे तो आपकी एक अच्छी लिमिट बन जाएगी, यानी कि विड्रॉ आप आसानी से कर पाओगे। तो इस तरीके से हर एक एक्सचेंज के ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। अब हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में। तो टैक्सेस तो ऑब्वियसली हमें देने ही पड़ेंगे, हमें TDS पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करी है निश्चल शेट्टी जी ने कि जो TDS है WZRX के ऊपर तो वैसे ही कट रहा है, आप कोई भी ट्रेड लगाओगे तो TDS कट जाएगा, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं तो एंड यूज़र यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की बनती है कि हमने TDS खुद से पे करना है। अब एक और चीज़ है कि जो कई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको लेकर भी WZRX बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यानी कि FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट के साथ अभी रजिस्टर्ड है WZRX मार्च 2023 से, तब से हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मॉनिटर होती हैं, उनको रिपोर्ट भी किया जाता है। खासकर जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस अगर करी जा रही हैं तो वो क्लियरली बताया जाता है WZRX के द्वारा आगे एजेंसीज को। तो लास्ट में ही कुछ अपडेट्स आई थी, आपको बताया भी था कि WZRX ने लगभग 200-250 अकाउंट्स का पूरा डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया था, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास पूरी ट्रांसपेरेंसी है। डेटा कहने का मतलब उन्होंने पूरी KYC की डिटेल्स दी, इसी के साथ साथ जो भी एक्टिविटीज़ करी जा रही थी उनके द्वारा, जो भी ट्रेडिंग करी जा रही थी वो भी क्लियरली बताई गई और आगे फॉरवर्ड किया गया पूरा डेटा। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, आपको TDS का तो पता ही है कि TDS अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसी के साथ जो फीस है वो 0.472% अभी सामने दिख रही है। जो मैंने लास्ट टाइम जब देखा था 0.4445 के आसपास चलती थी, यानी कि फीस लगातार बढ़ रही है। Zappe के ऊपर थी ये 0.5% फ्लैट थी, यानी कि इतनी हमें पे करनी ही करनी पड़ेगी। अब इन्होंने बताया कि ये फी रिवैम्प के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए फीस के ऊपर कुछ ना कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज देंगे और डिस्काउंट फीस के ऊपर मिलने वाला है। एक और चीज़ रहती है कि अगर उदाहरण के तौर पर किसी भी कारणवश अगर आप नहीं रहते इस दुनिया में और आपका WZRX अकाउंट है, तो उसके ऊपर अगर आपका नॉमिनी लगा होगा, अगर माइनर है या फिर माइनर विद गार्जियन है, कोई भी है, तो उसी क्या कि पूरा अमाउंट उनको मिल जाएगा, जैसे बैंक्स में होता है, जनरली ऐसा ही होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका नॉमिनी ऐड हो जाएगा WZRX अकाउंट में, जिससे क्या कि आपका फ्यूचर का अमाउंट इन केस ऑफ मिस हैपनिंग उनके पास ही जाएगा। अब कुछ और छोटे मोटे इन्होंने फीचर्स ऐड किए, जैसे कि मोस्ट एक्टिव टोकन कौन सा है, क्विक एक्सेस आपको मिल जाएगा, कॉइन का मेटा डाटा, यानी कि आप अगर अपना खुद का रिसर्च करना चाहते हो तो आप सब कुछ देख सकते हैं। पिछला ये इन्होंने बताया कि पहले हमने 5 नए टोकन्स और 14 नई मार्केट्स लिस्ट करी हैं 3 महीने के अंदर, जो कि ऑब्वियसली चलता ही रहता है। WZRX अगर अपना कमाना चाहते हैं तो इनको कॉइन्स भी लिस्ट करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। तो आपको मैंने लगभग सब कुछ बता दिया कि जो निश्चल शेट्टी जी ने बताया है इसके बारे में, जैसे कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स है, जैसे कि WRX की अपडेट आपको दी है, फीस की, TDS की, टैक्सेस की, इसी के साथ साथ अभी फीस जैसे कम होने वाली है, नॉमिनी की बात आपको बताई गई है, क्रिप्टो विड्रॉल्स कब शुरू होंगे। तो सब कुछ आप एक बार में नहीं समझे तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए। इसके अलावा कोई और आपका डाउट है WZRX को लेकर या WRX को लेकर, नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।